शिमला शहर से हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने भी चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की है। उन्होंने पत्रकार से बातचीत के दौरान नरेश चौहान ने कहा कि उन्होंने पार्टी में 35 साल से ज्यादा समय तक सेवा की है, ऐसे में उनकी भी इच्छा है कि वह शिमला शहर से चुनाव लड़े। चौहान ने कहा कि चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करना हर कार्यकर्ता का अधिकार है, लेकिन टिकट देना हाईकमान के अधिकार क्षेत्र में आता है। बता दें कि साल के अंत में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अलग अलग सीट से नए नए दावेदार चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस में शिमला शहर से लड़ने वाले उम्मीदवारों की फेहरिस्त लंबी चौड़ी है। कांग्रेस से चुनाव लड़ने वालों में हर्ष महाजन, हरभजन सिंह भज्जी, आदर्श सूद, महेश्वर चौहान पांडू, हरीश जनार्था, यशवंत छाजटा, इंद्रजीत सिंह और संजीव कुठियाला का नाम चर्चा में है। पार्टी जो तय करती है, हम क्या सोचते हैं इंडिविजुअली वो मैटर नहीं करता है। ये फैसले हमारी पार्टी और हाईकमान तय करता है। इच्छा होती है हर कार्यकर्ताओं की होती है, मैं भी 35 साल से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये हम इस बात का फैसला हमारी लीडरशिप तय करती है। अगर लीडरशिप आदेश करेगी तो चुनाव लड़ेंगे, जिसको किसी और को आदेश करेगी तो चुनाव लड़ाएंगे। शिमला शहर से हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने भी चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की है। उन्होंने पत्रकार से बातचीत के दौरान नरेश चौहान ने कहा कि उन्होंने पार्टी में 35 साल से ज्यादा समय तक सेवा की है, ऐसे में उनकी भी इच्छा है कि वह शिमला शहर से चुनाव लड़े। चौहान ने कहा कि चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करना हर कार्यकर्ता का अधिकार है, लेकिन टिकट देना हाईकमान के अधिकार क्षेत्र में आता है। बता दें कि साल के अंत में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अलग अलग सीट से नए नए दावेदार चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस में शिमला शहर से लड़ने वाले उम्मीदवारों की फेहरिस्त लंबी चौड़ी है। कांग्रेस से चुनाव लड़ने वालों में हर्ष महाजन, हरभजन सिंह भज्जी, आदर्श सूद, महेश्वर चौहान पांडू, हरीश जनार्था, यशवंत छाजटा, इंद्रजीत सिंह और संजीव कुठियाला का नाम चर्चा में है। पार्टी जो तय करती है, हम क्या सोचते हैं इंडिविजुअली वो मैटर नहीं करता है। ये फैसले हमारी पार्टी और हाईकमान तय करता है। इच्छा होती है हर कार्यकर्ताओं की होती है, मैं भी 35 साल से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये हम इस बात का फैसला हमारी लीडरशिप तय करती है। अगर लीडरशिप आदेश करेगी तो चुनाव लड़ेंगे, जिसको किसी और को आदेश करेगी तो चुनाव लड़ाएंगे। शिमला शहर से हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने भी चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की है। उन्होंने पत्रकार से बातचीत के दौरान नरेश चौहान ने कहा कि उन्होंने पार्टी में 35 साल से ज्यादा समय तक सेवा की है, ऐसे में उनकी भी इच्छा है कि वह शिमला शहर से चुनाव लड़े। चौहान ने कहा कि चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करना हर कार्यकर्ता का अधिकार है, लेकिन टिकट देना हाईकमान के अधिकार क्षेत्र में आता है। बता दें कि साल के अंत में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अलग अलग सीट से नए नए दावेदार चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस में शिमला शहर से लड़ने वाले उम्मीदवारों की फेहरिस्त लंबी चौड़ी है। कांग्रेस से चुनाव लड़ने वालों में हर्ष महाजन, हरभजन सिंह भज्जी, आदर्श सूद, महेश्वर चौहान पांडू, हरीश जनार्था, यशवंत छाजटा, इंद्रजीत सिंह और संजीव कुठियाला का नाम चर्चा में है। पार्टी जो तय करती है, हम क्या सोचते हैं इंडिविजुअली वो मैटर नहीं करता है। ये फैसले हमारी पार्टी और हाईकमान तय करता है। इच्छा होती है हर कार्यकर्ताओं की होती है, मैं भी 35 साल से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये हम इस बात का फैसला हमारी लीडरशिप तय करती है। अगर लीडरशिप आदेश करेगी तो चुनाव लड़ेंगे, जिसको किसी और को आदेश करेगी तो चुनाव लड़ाएंगे।